सो हे गाइस, जैसे आप लोग आए हो कि आप लोग अच्छे हो ना, तो गाइस इन्होंने ने न्यू नोटिस दे दिया जहाँ पे गाइस आप लोग का डायमंड रॉयल लास्ट डायमंड रॉयल कौन सा होने वाला है एंड गाइस आप लोग के पास जो भी इवोल्यूशन स्टोन है या ब्लू प्रिंट है उससे आप लोग कौन से रिवॉर्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हो एंड ये एक्सचेंज रिवॉर्ड आप लोगों को कब देखने को मिलेगा ये भी कन्फर्म हो गया है। सो गाइस इस वीडियो में आप लोग को ये सारा कुछ फुल डिटेल बताऊंगी, तो गाइस वीडियो को पूरे देखना। तो चलो गाइस बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं डायमंड रॉयल की। तो गाइस डायमंड रॉयल के साथ ऐसा होने वाला है कि गाइस आप लोग को वंसन को न्यू डायमंड रॉयल बंडल देखने को मिलेगा डायमंड रॉयल के अंदर एंड वो आप लोग को 10 अगस्त तक देखने को मिलेगा। एंड गाइस करीना के न्यू नोटिस में ऐसा है कि गाइस 1 जून से 10 अगस्त तक आप लोग को न्यू डायमंड रॉयल तो देखने को मिलेगा, बट गाइस वो फ्री फायर का लास्ट डायमंड रॉयल होने वाला है, उसके बाद आप लोगों को कोई भी डायमंड रॉयल देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस आप लोग अपने डायमंड रॉयल वाउचर का वेस्ट मत करो, आप लोग का 1 जून को न्यू बंडल देखने को मिलने वाला है डायमंड रॉयल के अंदर। तो गाइस ये तो बात हुई डायमंड रॉयल का क्या होने वाला है, अब बात करते हैं गाइस इनक्यूबेटर में आप लोग को एक्सचेंज कब देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग को पता है 31 मई के बाद तो इनक्यूबेटर तो चला जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा। तो गाइस आपके पास जो स्टोन है या ब्लू प्रिंट है या वाउचर है उसका क्या होगा? तो गाइस मैं नहीं बोल रही आपको ये देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने गाइस खुद बोला है कि आप लोग को 17 मई मतलब 17 मई को एक एक्सचेंज स्टोर देखने को मिलेगा, जो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे गाइस आप लोग अपने इनक्यूबेटर वाउचर ब्लू प्रिंट एंड इवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज करके और भी कुछ न्यू आइटम दे सकते हो। ओके, तो गाइस आप लोग को ये एक्सचेंज इवेंट देखने को मिलेगा 17 मई के दिन इंडिया सर्वर में, जहाँ पे गाइस आप लोग अपने वाउचर ब्लू प्रिंट एंड इवोल्यूशन स्टोन से एक्सचेंज करके बहुत सारे न्यू आइटम ले सकते हो। बाकी एरिना ने अभी तो बोला नहीं है कि एक्सचेंज स्टोर में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा। एंड गाइस आप लोग के पास भी कोई भी ब्लू प्रिंट है तो गाइस आप लोग चिंता मत करो, आप लोग के पास ओल्ड हो या न्यू हो आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, तो गाइस आप लोगों को पास है तो आप लोग रखो, आप लोग को एक्सचेंज इवेंट देखने को मिलने वाला है 17 मई के दिन। एंड गाइस आप लोग को एक्सचेंज इवेंट में क्या रिवॉर्ड देखने को मिलेगा ये तो गाइस अभी तक लीक नहीं आई है, बाकी आप लोगों को बस एक्सचेंज स्टोर देखने को मिलेगा इतना पता चला है। ओके, तो गाइस 17 मई को एक्सचेंज स्टोर आने वाला है, उसके अंदर आप लोग को ब्लू प्रिंट या स्टोन एक्सचेंज करने पर क्या मिलेगा ये तो गाइस अभी रिवॉर्ड कंफर्म नहीं हुआ है कौन सा देगी गरीना। बाकी गरीना को अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए, गन स्किन या कुछ बंडल अच्छा वाला देना चाहिए। बाकी गाइस देखते हैं गरीना क्या देती है 17 मई के दिन एक्सचेंज स्टोर में। गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या देना चाहिए हमें एक्सचेंज में गरीना को, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। सो गाइस आप लोग को वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। तो गाइस होप करते हैं आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड आज की वीडियो इतनी ही है। बाकी गाइस आप लोग को जो कमेंट का रिप्लाई मैं देने वाली थी वो इस मैं आप लोग को शाम की वीडियो में दे दूंगी, तो आप लोग थोड़ा वेट करना। सो गाइस आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना भूलना नहीं एंड चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने प्यारे प्यारे हाथों से बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो चलो गाइस मैं बोलता हूं आप लोग को और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।